एमएफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं आज। हमने मैथ पढ़ना है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। लार्ज एनिमल्स जो हैं इनमें हमारी बॉडी का हर सेल जो है उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और हमें पता है कि सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते अपनी फूड के लिए, इसीलिए ये जो है वो फूड जो है वो किसी ना किसी मेथड के थ्रू जो है वो सेल्स तक आनी चाहिए। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिस्टम ही फूड को डाइजेस्ट करता है। हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर होते हैं, वाटर या इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रोड्यूस जो है वो सेंड करता है। अब इसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्पेशलाइज्ड होता है कि वो इंजेस्ट करता है। पहले तो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाती है ओरल कैविटी के थ्रू, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू मूव करती है और फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है, हजम होती है, और फिर जो है हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है वो बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है वो रिमूव हो जाता है, मूव आउट, खारिज हो जाता है। एनिमल्स में बहुत से मेथड हैं न्यूट्रिशन के लिए एज कम्पेयर टू द प्लांट। हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू द डटेरियो, डेटरिटो, डेटराइटी वॉर्स, वो एनिमल जो कि फीड करते हैं ऑन द डेटराइटस, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक डेब्रस पे, डिकम्पोजिंग मटेरियल पे, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, इनको बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। ये इंजेस्ट करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के फ्रेगमेंट को सोइल सरफेस के थ्रू और ब्यूरिंग एक्टिविटी के अंदर। ब्यूरिंग एक्टिविटी होती है जिसमें ज़मीन की खुदाई करते हैं, जिसने आपने प्लिनेरिया देखा होगा कि जिसना कैंचुआ है वो ज़मीन के अंदर खुदाई करता है, और जो है इसे ब्यूरिंग बोलते हैं, इनकी ज़मीन खुदाई करना, बाहर निकलना, और जो है वो डेड और ऑर्गेनिक मैटर डेब्रस पे जो है वो डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स, जैसे कि उसके नेम से पता चलता है, ऐसे एनिमल जो कि हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, और ये एनिमल जो हैं टिपिकली हर्बीवोर, जो कि घास फूस खाते हैं। और इन एनिमल्स में इंसेक्ट भी आ जाते हैं, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल आ जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हर्बीवोर्स के जो हैं वो मैमल्स आए हैं, मैमल्स जो हैं उसमें रोडेंट्स और अनगुलेट्स आ जाते हैं। उसके बाद होफ्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, रोडेंट्स में ये जो हैं जिसमें माउस, गिलहरी वगैरह ये सारे इनमें आ जाते हैं। होफ्ड एनिमल जो होते हैं, जिनके खुर होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं भेड़ बकरियां वगैरह आ जाती हैं, हॉर्सेस, कैटल। और हर्बीवोर एनिमल जो हैं ये प्री मोलर्स और मोलर होते हैं, यानी कि इन एनिमल्स की दाढ़े होती हैं, और प्री मोलर ये दांतों के नेम ही हैं, प्री मोलर और मोलर होते हैं। ये इनके लार्ज साइज के होते हैं, इनके सरफेस एरिया लार्ज होता है क्योंकि इन्हें चबाना होता है। हमें पता है कि ये भेड़ बकरियां वगैरह क्या करते, खाना जल्दी से खा लेती हैं, उसके बाद जो है बैठे चबाती रहती हैं, तो इसके लिए इनके मुंह के अंदर जो है वो प्री मोलर और मोलर्स होते हैं, यानी कि दाढ़े और दाढ़ों से पहले वाले जो दांत होते हैं उन्हें प्री मोलर्स बोलते हैं। और लार्ज गैप होता है इनके इंसाइजर के दरमियान, यानी कि जो नुकीले दांत होते हैं वो इनके नहीं होते, सामने वाले दांत जो हैं और प्री मोलर के दरमियान जो है वो गैप प्रेजेंट होता है। केनाइंस, यानी कि जो तीखे दांत होते हैं जो कि हम कहते हैं चीरने फाड़ने के काम होते हैं, वो इन एनिमल्स के अंदर नहीं होते। और उसके बाद आ जाता है कार्निवोर, ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब क्योंकि इनका काम ही दूसरे जानवरों को खाना है, इनको चीरना फाड़ना है, तो इसके लिए इनके दांतों में मॉडिफिकेशन होती है, वो शिकार को पकड़ने के लिए इनके दांत जो तीखे होते हैं
और इनके इंसाइजर, प्री मोलर और मोलर, जी सारे दांत जो हैं वो उनमें मॉडिफिकेशन होती हैं कि वो जो है वो नोकीले किस्म के होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें और उसको, उसकी बोन, उसकी हड्डियों को तोड़ सकें, उसके चंक्स बना सकें, उसके टुकड़े बना सकें और उसको निगल सकें। इसमें कैट, डॉग, लाइन, टाइगर ये कॉमन एग्जांपल आ जाती हैं। और ये कैप्चर करते हैं अपने अपने शिकार को जो है उसको मारते हैं और उसको खा जाते हैं। ओमनीवोर जैसे एनिमल होते हैं जो कि सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं। ओमनीवोर्स में क्रोज आ जाते हैं, कौवे, रैट, फॉक्स, बियर और मैन, ह्यूमन भी इसी में आ जाते हैं। और इनके टीथ जो है स्ट्रक्चरली अल्लाह ताला ने वैसे ही इनकी फंक्शनिंग और इनका स्ट्रक्चर बनाया होता है कि वो इजीली अपनी फूड को खा सकें। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें टीथ जो है वो इंटरमीडिएट होते हैं हर्बीवोर और कार्निवोर, जिनके दोनों के इंटरमीडिएट, दोनों के दरमियान किस्म के होते हैं। हर्बीवोर्स के ज़रा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तीखे नहीं होते, नुकीले दांत नहीं होते हर्बीवोर्स के। कार्निवोर्स के जो है वो नुकीले किस्म के दांत होते हैं। तो हम जो ओमनीवोर्स होते हैं इनके, इन दोनों के दरमियान की कैटेगरी आ जाती है इनके। और उसके बाद आ जाते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर जैसा कि उसके नेम से पता चलता है कि वो इनकी फीड जो है वो फिल्टर करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, उसमें से अपनी फूड लेते हैं। बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स वाटर को फिल्टर करते हैं और उसमें से डाइजेस्ट करते हैं पार्टिकल्स को, क्योंकि समुद्र के अंदर रहते हैं ये, उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल म्यूसल्स की आ जाती हैं, जैसे सीपियाँ हम कहते हैं ना, बड़ी बड़ी सीपियाँ होती हैं। म्यूसल्स में दो लार्ज गिल्स होते हैं जो कि कवर होते हैं विद सीलिया। इनमें जो मूवमेंट होती है सीलिया की, ये यहाँ पर इनके सील्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सीलिया की जो मूवमेंट होती है, क्योंकि सीलिया जो है वो वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं और इनमें जिसके थ्रू वाटर इस बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, से बोलते हैं इनहेलिंग सिफोन होता है इनके अंदर, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया। इनहेलिंग सिफोन होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये गिल्स दिखाए गए, यहाँ पे बारीक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो है वो उनमें मूवमेंट होती है, तो वाटर जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। जो वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है उसके अंदर फूड होता है। फूड क्या होती है उसमें, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एल्गी, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया के आसपास ही स्टिकी सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, जो कि जिसके साथ फूड के सेल, ये फूड पार्टिकल जिनके जो एल्गी वगैरह है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सीलिया के आसपास के जो म्यूकस सेल्स, स्टिकी सेल्स होते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं और इस तरह फूड को वो ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो उस फूड को जिसे वो ट्रैप कर लेते हैं, वो उसे अपने माउथ के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने स्टमक के अंदर। कुछ सर्टेन भी जो है वो भी फिल्टर फीडर्स में आ जाती हैं। फ्लूइड फिल्टर फीडर्स क्या होते हैं, जो कि फ्लूइड के ज़रिए ये फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं लिक्विड की फॉर्म में। यानी ये एनिमल वो होते हैं जो कि फ्लूइड फीडर्स होते हैं, इनके फ्लूइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इनमें एफिड्स आ जाती हैं, ये एफिड वो कीड़े होते हैं जो कि फसलों पर अटैक करते हैं ना, जिस तरह मॉस्किटो वगैरह। तो ये वो होते हैं जो फ्लूइड फीडर, क्योंकि मॉस्किटो जो का फ्लूइड जो होता है वो ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे अपनी फूड लेते हैं। इसी तरह एफिड जो होती हैं वो प्लांट के जाइलम वास्कुलर बंडल्स के अंदर, फ्लोइम के अंदर, उन्हें पता है कि फूड होती है, तो फ्लोइम के अंदर इनके इनकी बॉडी का एक ऑर्गन सक्कर होता है पाइप की तरह का, वो इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और इस तरह वो उसकी फ्लोइम से फूड जो है वो स्टाइलट उसे बोलते हैं, जो इसका ऑर्गन होता है पाइप की तरह, जिसके जरिए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फीमेल मॉस्किटो भी जो है फ्लूइड फीडर्स होती हैं, क्योंकि ये सक करती हैं ब्लड को और स्किन कैपिलरीज से, पायर्सिंग द स्किन, यानी कि स्किन में जो उसमें छेद करके एक सुराख के जरिए, पाइप के जरिए, नीडल लाइक इनका जो ऑर्गन होता है जिसे बॉडी के अंदर इंसर्ट करती हैं और फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रोफेजिस फीडर्स, वो एनिमल जो कि फूड को लार्ज पीस की फॉर्म में अंदर लेके जाते हैं। इनकी बॉडी, इनमें टेंटिक्यूलर फीडिंग और स्क्रैपिंग, उस साइजिंग
यानी कि ये इनमें ऑर्गेन्स होते हैं जो कि माइक्रोफेजिस फीडिंग जो करते हैं, वो स्क्रैपिंग यानी कि वो फूड को जो है वो पार्ट्स की फॉर्म में, पीसीस की फॉर्म में अपने अंदर लेके जाते हैं। इसमें हाइड्रा आ जाता है एग्जांपल टेंटिक्यूलर में, जिसमें वो टेंटिकल्स के जरिए, इसमें टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल होते हैं ना, जिससे वो अपने शिकार को अपाहज कर देते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और इसमें गार्डन स्नेल, स्नेल जो स्नेल आप लोगों ने देखा होगा सीपियों की फॉर्म में, ये जिस भी सरफेस पे गुजरते हैं वहाँ पे खुरच देते हैं ऊपर से पत्तों पर जो गुजर रहे होते हैं, और वहाँ से उसको स्क्रैच कर देते हैं। इनके पास इनका जो ऑर्गन होता है खुरचने के लिए, इसे कहते हैं रेस्पायरिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसे रेडियुला बोलते हैं। ये रेडियुला जो है वो उसके सरफेस के ऊपर मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ रगड़ते हैं, और इस तरह उसकी जो है लीव्स यानी पत्तों के सरफेस के ऊपर से उसको स्क्रैप करते हैं। इस तरह पत्तों के छोटे छोटे हिस्से यानी कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ये उसको करते हैं और अपनी फेरिंग्स में, अपने हलक में लेके जाते हैं। और इसके अलावा ने बताया कि डॉग फिश जो है वो सीजिंग काटती है अपनी फूड को और जो है वो निगल लेती है।